हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में और बढ़िया ना सब। ठंडी बढ़िया वाली होने लग गई है, बहुत अच्छी वाली। और दोपहर के 2 बजे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नारियल पानी के साथ। ये हमारा नारियल पानी, हमने पी चुके हैं इसको। और आज मौसम भी बहुत गंदा है, बादल बादल हो रहे सब में। देखो धूप नहीं है, इतनी सी भी धूप नहीं है। मैंने ये धूप में रखे थे खाने की, थोड़ा नरम हो जाएंगे तो खा लूंगी, पर धूप ही नहीं है और ये भी नहीं सूख पाए। कपड़े तो खैर क्या ही सूखेंगे जब यही नहीं सूखे तो। और फली हमने तोड़ी कल हमने ये सारी तोड़ ली, कम से कम आधा किलो निकली होंगी हमारी। आधा किलो में फ्रेश हमारे घर की। अब हम सोच रहे हैं इसको जला दें, क्योंकि बारिश का मौसम है, पता नहीं कब पट 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 आ जाए और ये खराब हो जाए इसलिए। और देखो बैंगन भी लगे हैं। अभी मैंने नारियल पानी पिया है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा धूप निकलती ना तो ये अमरूद मेरे थोड़ा सही हो जाते, तब मैं उसको खा लेती, पर वो धूप ही नहीं निकली है यार, क्या खाऊं उसको मैं समझ ही नहीं आ रहा। संतरा तो मैंने खाया ही नहीं कुछ से। और भैया मेरा बन गया हलवा, बन चुका है बस थोड़ा, है ना, बढ़िया हो गया। और ये मैंने काटा है गंगा फल, आज मैं गंगा फल भी बनाऊंगी यार, बहुत दिन में मन है मेरा बनाने का। और ये काजू बादाम भी मेरे सारे खत्म हो गए, किशमिश बची बस। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा लेट जाऊं, सो जाऊं या तो मतलब, क्योंकि बूंदों का कोई पता नहीं है किस टाइम पड़ने लग जाए, आने ही वाली है, वैसे ही हो रहा है। सूखे सूखे कपड़े तो उतार ही ले, कोई पता नहीं है भैया। बाकी तो सब गीले हैं ये, क्योंकि धुले थे अभी अभी। और मैं अपने फल भी उठा लूं, बूंदे आने वाली है। कुर्सी भी रख देती हूँ अंदर को। ये भी उठा कर रखने हैं मुझे, अब सूख गए हैं ना, गर्मियों में निकलेंगे फिर ये, अब कम से कम 4-5 महीने के बाद। तो इनको डब्बे में पैक करूंगी, इनके डब्बे रखे हैं और मैं रखूंगी। और ये अब ये भी उठा लूँ बना, मैं तो अब लेट नहीं जा रही हूँ क्योंकि नींद सी आ रही है, मुझे तेल लगाया हुआ है ना सर में इसलिए। बाकी बाद में बात करेंगे। तो बनाने जब मैं गंगा फल बनाने जा रही हूँ, हलवा बन चुका है मेरा बढ़िया, और ये गंगा फल बनाने की तैयारी है। ये है गुड़, और ये पतिदेव यार संतरे लेके आ गए यार, ठंडी में कोई संतरे खाएगा क्या? बुखार आ गया तो हो गया काम, जय माता दी, दिमाग खराब कर रखता है, इतना सिर में दर्द हो रहा है मेरे आज। और ठंड लग रही है अलग से, ठंडा मौसम है, संतरे खाऊंगी और जुकाम अभी मुश्किल से ठीक हुआ।
ये देखो 7 बजने वाले हैं और ये देखो कितनी बारिश पड़ रही, बहुत। आज बेचारे रेनकोट मतलब कोई वो लेके नहीं गए ना सामान बचने के लिए, तो बारिश पड़ रही है, वैसे नहीं पड़ती है। भैया हमारा गेहूं का फल भी देखो बन चुका है, ये देखो गुड़ का है ना इसलिए काला है, ये गोभी है और ये बर्तन हम धो देते हैं। बस बर्तन धो के फिर हमें 2-4 चावल की रोटी सेकनी है। गंगा फल से बहुत अच्छी लगती है, मैंने बहुत दिन से खाया भी नहीं था ना इसलिए लिया। बस निकाली तो मैंने यार वो भी थे मैदा भी, अब देखो कुछ और बनाऊंगी किसी को खाने के लिए ना बीच बीच में स्नैक्स टाइप। कपड़े भी नहीं सूखे मेरे 2-3, बाकी तो सब सूख ही गए। थोड़ा फोन करती हूँ पहले कि थोड़ा उधर अगर नहीं पड़ रही हो तो निकल आओ, कि पता नहीं है, और मिलती हूँ फोन करने के बाद। तो भैया सच्ची में ऑफिस में तो बारिश नहीं पड़ रही है और मुझे लग रहा है यहाँ पे भी ना हल्की हो गई है, तो मैंने कह दिया है कि आ जाओ जितनी जल्दी हो सके। कोट वोट नहीं है और रेन कोट वगैरह आपके पास, भेज जाओगे बढ़िया करके तवड़ तोड़। तो हम चलते हैं पहले बर्तन धोने, हमारे बर्तन रखे तो भैया हो गए हमारे बर्तन, बर्तन भी सब साफ, और बारिश भी रुकी है ना फिलहाल, तो शायद पतले आ रहे हैं मेरे। और मैं चलती हूँ ये काट लेती हूँ सुबह के लिए, पनीर बनाऊंगी थोड़ा सा सुबह को ऐसे ही। मुझे लगा चाकू यहीं पे है, चाकू है भाई, तो बारिश तो सही काम क्या सजानी रखी डब उसमें रखनी थी ना बेड में, तो मैं आपसे खुलवा दूंगी डब दूंगी। अरे ये बता नाल ने प्याज पी लिया ये वाला, वो क्यों नहीं पिया कटाई ना मिस्सर आटा पक्का हो रहा था बहुत ही। मैं सोची थी भीग ना जाओ, अच्छा हुआ नहीं भीगे, बच गए, रुक गई ना बारिश, 7 बज गया, आधा घंटा हो गया। बागेश्वर बालाजी की ये है मेरे पति, इन्हें 9 बजे नींद आ रही थी वैसे तो, और अब 12 बजे भी नींद आ रही, टीवी में मोबाइल में घुसे पड़े ये देखो इनको नींद आ रही है। अब मुझे नींद आ रही तो सूर्यवंशम पिक्चर देख रहे हैं जमाने पुरानी।